अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफिक्स के वीडियो सबसे पहले। क्या कर रहे भारत चिकित्सक और उदर रोग विशेषज्ञ थे जो CM AAO के प्रेसिडेंट, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट थे। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। उनका जन्म 5 सितंबर 1958 को न्यू दिल्ली भारत में हुआ था। अग्रवाल ने 1979 में नागपुर यूनिवर्सिटी से MBS किए और 1983 में उसी यूनिवर्सिटी से MD किए। वो 2017 तक मूलचंद मेडिसिटी नई दिल्ली भारत में एक सीनियर कंसल्टेंट थे। उन्होंने एलोपैथी सहित स्वास्थ्य पर कई पुस्तकें प्रकाशित की थी जिसमें उन्होंने आधुनिक एलोपैथी के साथ प्राचीन वैदिक चिकित्सा इकोकार्डियोग्राफी पर 6 टेक्स्टबुक चैप्टर्स और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में हजारों लेख प्रकाशित किए थे। डॉक्टर अग्रवाल को 2005 में चिकित्सा श्रेणी में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें विश्व हिंदी सम्मान, नेशनल साइंस कम्युनिकेशन अवार्ड FICCI, हेल्थ केयर पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर DS मुंगेकर, नेशनल IMA अवार्ड और राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2010 में उन्हें पद्मश्री मिला। वो गोल्ड मेडलिस्ट और लिम्का बुक का रिकॉर्ड होल्डर थे। जनवरी 2021 में उनकी पत्नी का उन्हें डांटने का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो उसे COVID-19 टीकाकरण के लिए अपने साथ नहीं लिए। मई 2021 में यह घोषणा की गई कि उनका दिल्ली में एक COVID-19 संक्रमण का इलाज चल रहा था। अग्रवाल का 17 मई 2021 को COVID-19 का इलाज के दौरान निधन हो गया। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।